राहुल गांधी इस वक्त मुंबई में हैं और अब यहीं से वो न्याय यात्रा खत्म करके वोट यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की वोट यात्रा में ब्रेकर बहुत ज्यादा हैं। कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम वोट की राजनीति में सबसे बड़ा ब्रेकर तो ओवैसी बनकर उभर रहे हैं, जिन्होंने पूरे देश के अंदर CAA पर राजनीति की खुली घोषणा कर दी है। राहुल गांधी की टीम ने सोशल मीडिया पर एक ट्रेलर जारी किया है। ये इसी ट्रेलर की तस्वीरें हैं। इस पूरे ट्रेलर में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के नायक के तौर पर दिखाया गया है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी, न्याय की ये आंधी ना रुकेगी ना थमेगी, मणिपुर से मुंबई तक गली। लेकिन क्या राहुल गांधी देश के नायक बन सकते हैं? इस सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी अब भी तलाश रही है। हाथ से हाथ जुड़ गए, दिल से दिल मिल गए, कदमों से कदम मिलाया है, हमने नफरत को मिलकर हराया है, अब हक की बात चल पड़ी है, आई अब फैसले की घड़ी है। कांग्रेस पार्टी को एक नहीं बल्कि एक साथ कई चुनौतियों को झेलना पड़ रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के अंदर राहुल गांधी को राज्यों के छत्रों से सीट बंटवारे को लेकर जद्दोजहद करनी पड़ रही है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के बाहर भी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बनते जा रहे हैं। ओवैसी ने लोकसभा चुनाव की शुरुआत के साथ ही अपनी हर सभा में CAA को एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है कि CAA कानून को आप सिर्फ CAA के तौर पर नहीं देख सकते, CAA के कानून को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। अब ये BJP और संघ परिवार के लोग बोलेंगे, तुम क्या नहीं चाहते पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, ये बौद्ध मजहब के लोग भारत को आ जाएं, ये उनको शहरियत ना मिले? मैं कभी खिलाफ नहीं था, बिल्कुल दीजिए आप, मगर हमारा एतराज ये है कि मजहब की बुनियाद पर नहीं कानून बनाया जा सकता। 2023 में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों ने ओवैसी को बड़ा झटका दिया। जहां एक तरफ मुस्लिम वोट मिलने से कांग्रेस की सरकार बनी तो वहीं ओवैसी की पार्टी का वोट प्रतिशत भी गिर गया और इसी वजह से अब असदुद्दीन ओवैसी ने CAA के मुद्दे को धार देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में बहुत ही चतुराई से मुस्लिम वोटरों को उनके हितों की रक्षा करने का संकेत दे रही है। महाराष्ट्र के मुंबई में राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा का समापन किया और इस खास मौके पर उन्होंने सबसे सघन आबादी वाले इलाके धारावी के अंदर एक बड़ी सभा की। धारावी महाराष्ट्र का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर मुस्लिम आबादी की बड़ी तादाद है और यहाँ पर राहुल गांधी ने एक चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कहा, क्योंकि न्याय यात्रा का मकसद नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी, न्याय की ये आंधी ना रुकेगी ना थमेगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि उसकी मोहब्बत की दुकान वाले कैंपेन का असर भारतीय जनमानस पर पड़ने जा रहा है। तो हमने पिछले वाले यात्रा में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली और पिछली यात्रा में बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि देखिए आप 4000 किलोमीटर चले मगर बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां आप गए नहीं, उड़ीसा नहीं गए, झारखंड नहीं गए, छत्तीसगढ़ नहीं गए, बंगाल नहीं गए, असम नहीं गए, बिहार नहीं गए, तो आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। और हमने दूसरी यात्रा मणिपुर से शुरू की। मुंबई इस वक्त भारत की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन की एक बहुत बड़ी रैली हुई है। इस रैली का महत्व इसलिए काफी ज्यादा है क्योंकि मुंबई के अंदर ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा का समापन हुआ है और इस मौके को भव्य बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी महागठबंधन के बड़े बड़े नेताओं को इकट्ठा किया है। कांग्रेस नहीं होती तो देश को आजादी नहीं मिलती, कांग्रेस नहीं होती तो देश को नेतृत्व नहीं मिलता, पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक।
कांग्रेस नहीं होती तो पाकिस्तान के दो टुकड़े नहीं होते। राहुल जी राजनीति कम करते हैं मेरे हिसाब से, वो देश के बारे में सोचते हैं, गरीबों के न्याय के बारे में सोचते हैं। तो उनका मकसद था लोगों में एक जागरूकता लाना, वो जागरूकता जरूर आई है। विपक्षी गठबंधन की राजनीतिक पार्टियों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल उनका आधार वोट या बेस वोट है जो कि मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम वोट की अपनी सीमाएं हैं। देश में 20% से भी कम मुस्लिम वोट है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी हिंदुत्ववादी राजनीति की वजह से 80% हिंदू वोटों पर दावा रखती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन की दूसरी पार्टियों के सामने एक ही विकल्प है कि मुस्लिम वोट के साथ हिंदुओं के जातिगत वोट का मिश्रण करके चुनाव जीतने लायक परिस्थितियां पैदा की जा सके। लेकिन मुश्किल ये है कि बीजेपी ने राष्ट्रीय मुद्दों को उठाकर अपना वोट एकजुट करने की भरसक कोशिश की है, और ऐसे में विपक्ष की दाल गलना इतना आसान नहीं है। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा इस बात के लिए याद की जाएगी कि जब वो चले थे तो भीड़ लेकर चले थे, उसमें से कई उनके साथी बिछड़े बारी बारी, और जब वो पहुंचे मुंबई उससे पहले नीतीश कुमार जी, ममता जी और कई उनके इंडी अलायंस के साथी बिछड़ गए। तो ये न्याय यात्रा नहीं कहलाएगी, बल्कि ये याद किया जाएगा कि इसमें जब वो यात्रा शुरू की तब जो साथी थे उनके, वो बिछड़े हुए उनसे अलग हो गए और वो तन्हा तन्हा रह गए। बिल्कुल ठीक ऐसी स्थिति बिहार में भी नजर आ रही है। बेगूसराय और कटिहार सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अपना दावा ठोका है। वजह यह है कि कांग्रेस बेगूसराय से युवा चेहरे के तौर पर कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाना चाहती है। कन्हैया कुमार का गृह जिला बेगूसराय है और ऐसे में कन्हैया कुमार बेगूसराय से ही कांग्रेस के सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। पिछले चुनाव में कन्हैया कुमार ने बेगूसराय से ही गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था, और कन्हैया कुमार सीपीआई से खड़े हुए थे, और वो चुनाव भले ही हार गए थे लेकिन बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक बड़े चेहरे के तौर पर उनको जाना जाता है। सोशल मीडिया पर उनका प्रभाव है, यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को एक बड़े चेहरे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन समस्या अब ये पैदा हो गई है कि बेगूसराय की सीट तेजस्वी कांग्रेस को नहीं देने वाले। इस सीट पर पेच फंस गया है। ठीक उसी तरह कटिहार की सीट पर भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहां से तारिक अनवर को चुनाव लड़वाना चाहती है। अगर कन्हैया कुमार बतौर कांग्रेस उम्मीदवार बेगूसराय के चुनावी मैदान में उतरते हैं तो गिरिराज सिंह के लिए बेगूसराय की जीत आसान होगी या मुश्किल, ये तो जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम साल 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो गिरिराज सिंह को बेगूसराय की सीट पर 692,132 वोट मिले थे और कन्हैया कुमार को यहां 269,976 वोट मिले थे, जबकि राष्ट्रीय जनता दल से तनवीर हसन को इसी सीट पर 198,000 वोट मिले थे। साफ है कि कन्हैया कुमार और आरजेडी के तनवीर हसन के वोट बैंक को जोड़ दिया जाए तो बेगूसराय सीट पर एंटी बीजेपी 4.5 लाख से अधिक वोट होती है। ऐसी स्थिति में गिरिराज सिंह को एक बड़ी टक्कर दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी और सीट शेयरिंग करनी होगी। इस बार चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाला है। आप लोगों को कितनी सीट शेयरिंग पर कब तक फैसला हो जाएगा? बुला के बता दिया जाएगा। आप लोगों को कितनी सीटें पर लड़ने की बात है इंडिया गठबंधन? सब लोग इंडिया गठबंधन 40 सीट पे लड़े। अब नोट करने वाली बात यह है कि बेगूसराय जिले में मुसलमानों की आबादी करीब 13% है। इस हिसाब से बेगूसराय जिले में मुसलमान की आबादी करीब 4 लाख। यहां पर एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक सीधे उस पार्टी को वोट कर सकता है जो बीजेपी को हराने की क्षमता रखती हो। यानी यहां भी लड़ाई मुस्लिम वोट के दम पर ही लड़ी जानी है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। मुझे दुख होता है विपक्ष के सोच पर कि तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा है। भारतवंशी को कौन सहारा देगा? अगर भारतवंशी यहाँ नहीं आएंगे तो भारतवंशी जाएंगे कहाँ? ये विपक्ष की विकृत मानसिकता है
जो हिंदुओं के ऊपर ऐसी सोच है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उसका मूल वोट ब्राह्मण, दलित और मुसलमान उसके हाथ से निकल चुका है। दलित वोट का बड़ा हिस्सा इस वक्त मायावती के साथ है, तो वहीं ब्राह्मण वोट में बीजेपी सेंधमारी कर चुकी है और मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के पाले में है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को उस वक्त एक बड़ी राहत मिली जब तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी AIMIM को पछाड़कर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट हासिल किया था। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत और मुस्लिम वोट के योगदान से ये बात साबित होती है कि मुसलमान अपना वोट दो पार्टियों में बंटने नहीं देना चाहता। यही वजह है कि मुसलमानों के द्वारा कांग्रेस पार्टी को ओवैसी की पार्टी के मुकाबले तरजीह दी गई और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, और इसीलिए अब ओवैसी ने अपने एजेंडे की धार को और तेज कर दिया और ओवैसी को सबसे बड़ा मुद्दा NRC और CAA के रूप में मिल गया है। NPR और NRC, आसाम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा NRC कराओ, 1600 करोड़ रुपए खर्च का किए करके सुप्रीम कोर्ट के मातहत NRC हो आसाम में 19 लाख लोग के नाम नहीं आए। कितने 19 लाख, जिसमें से 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई हैं, 1.5 लाख मुसलमान। अब जब CAA आ गया तो क्या होगा मालूम आपको? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आसाम के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, जो आलासाद के हैं मंतू शर्मा नाम है, विष्णु शर्मा, वो कह रहे हैं कि हम CAA से उन 12 लाख हिंदू भाइयों को सिटीजनशिप दे देंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वो 1.5 लाख मुसलमान क्या करना, वो 1 लाख 1.5 लाख मुसलमान क्या करना, उनको बोलेंगे आप 1962 में आए क्या, आप 1951 में आए क्या, कागज दिखाओ, दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, माने 10-12 लाख हिंदू भाई बहनों को सिटीजनशिप मिल जाएंगी। आसाम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, BJP के लोग कह रहे हैं, और वो 1.5 लाख मुसलमान फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाके केस छोड़ो अपना। साल 2019 में तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 3.53% वोट मिला था और कांग्रेस पार्टी को 24.68% वोट मिला था, लेकिन साल 2023 में तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 39.40% वोट मिला और ओवैसी की पार्टी का वोट घटकर 2.7% रह गया। ओवैसी अपने वोट की कमी, अपने वोट की प्रतिशत में हुई कमी को देखते हुए अब तेलंगाना में और ज्यादा जोर लगाने जा रहे हैं। ओवैसी ज्यादातर उन लोकसभा सीटों और विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाते हैं जहां पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा होती है, और इसीलिए देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के लिए ओवैसी चुनौती बने हुए हैं। और इस बार चुनाव में नागरिकता के मुद्दे को उठाकर ओवैसी अपना वोट शेयर बढ़ाना चाहते हैं। पासपोर्ट कितने लोगों के पास है? अगर मैं यहां बोलूं हाथ उठाओ कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? जरा कैमरा घुमाओ, इतने लोगों के पासपोर्ट है तो ये प्रूफ जरूर है। जिनके पास नहीं है उन्हें क्या करना? गवर्नमेंट का डेटा यह बोलता है कि पासपोर्ट पूरे मुल्क में सिर्फ 5% लोगों के पास, 130 करोड़ का देश सिर्फ 5% लोगों के पासपोर्ट है। आधार कार्ड किसके पास है? अब आप फर्क महसूस करो, पासपोर्ट में कम हाथ उठे, आधार कार्ड में पूरे उठ गए, उठे ना। आधार कार्ड जब घर को जाएंगे पलटा के देखो, उसमें लिखा हुआ है दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। BJP ने CAA को लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले लागू करके पश्चिम बंगाल में अपने वोट बैंक को, खास तौर पर मथुआ वोट बैंक को, ये संदेश देना चाहती है कि उसे बांग्लादेश से आए हिंदुओं की नागरिकता को रद्द नहीं होने दिया जाएगा। और इसके साथ ही अमित शाह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू शरणार्थियों पर भी कई बयान दे चुके हैं।
सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो, या अरविंद केजरीवाल हो, या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम CAA लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभिव्यक्त कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार नागरिकता के मुद्दे पर आक्रामक रूप अख्तियार किए हुए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी CAA के मुद्दे को ओवैसी की पार्टी के मुकाबले कम तरजीह देती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ हिंदू जातियों को अपने वोट बैंक में जोड़ना भी जरूरी है। और इसके लिए राहुल गांधी ने मुंबई में अपने चुनावी रैली में सॉफ्ट हिंदुत्व का तड़का लगाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उस यात्रा में दो चीजें बड़ी क्लियर थी। एक कि हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, मोहब्बत का देश है, और इस देश में, इसके DNA में रिस्पेक्ट, मोहब्बत, ये बहुत गहरा है। अब कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती एक नहीं, कई मोर्चों पर है। अपने वोट का आधार बड़ा करने के लिए कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वोट चाहिए ही चाहिए, और इसके लिए उसे ये साबित करना होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो कि BJP को हराने का दमखम रखती है।